अक्सर ऑनलाइन धोखाधड़ी और शॉपिंग में गड़बड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। कस्टमर कोई प्रोडक्ट मंगाता है तो कभी उसमें कचरा निकलता है तो कभी ईंट और पत्थर। इस बार एक ग्राहक ने आईफोन मंगाया लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसे लक्स साबुन मिला। मामला हरियाणा के रोहतक जिले का है, जहां के फरमाड़ा गांव के रहने वाले दीपक उर्फ मनोज के साथ ठगी का मामला सामने आया है। दीपक ने शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से एप्पल का आईफोन मंगाया था, जिसकी कीमत 30,000 रुपए थी। उसके पास जब पैकेट पहुंचा तो उसके अंदर से लक्स साबुन निकला। अब दीपक ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवा दी है। दीपक ने फ्लिपकार्ट पर एप्पल आईफोन मंगाया था, कुरियर बॉय उसका पार्सल लेकर उसके दफ्तर पहुंच गया। दीपक ने उसे 30,000 रुपए दिए और पार्सल ले लिया। उसने कुरियर बॉय को वही रोक लिया और उसके सामने ही पैकेट को खोला। पैकेट के अंदर 4 लक्स और 1 लाइफ बॉय की साबुन निकले। वहीं इस पूरे मामले पर दीपक का कहना है कि इसके बाद उसने फ्लिपकार्ट और कुरियर कंपनी को फोन किया, लेकिन दोनों ने इस बारे में कोई सुनवाई नहीं की। अब दीपक ने हार कर पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की है। वहीं सिटी थाना प्रभारी के मुताबिक मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।